हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज आप यहाँ पर ये डायग्राम देख रहे हो जो ब्रांच के फॉर्म में डिवाइड है उसी को आगे हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले हम देखते हैं एक पार्ट ऑफ बिजनेस जिसको हम कहते हैं इंडस्ट्री अब इंडस्ट्री मतलब क्या इंडस्ट्री हर एक एक्टिविटी जिसमें हम रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स वापस रिपीट कर रही हूँ इंडस्ट्री में हम क्या करते हैं रॉ मटेरियल को प्रोसेस करते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं इंटू यूजफुल प्रोडक्ट्स बहुत सिंपल है आपको इमेज से ही पता चल रहा होगा मैंगो को कन्वर्ट करते हैं इंटू जैम या शुगर कैन को कन्वर्ट करते हैं इंटू शुगर तो जनरली इंडस्ट्री का काम होता है टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल इंटू फिनिश्ड गुड्स या फिर यूजफुल प्रोडक्ट कॉटन से कपड़ा बनाना कपड़े से शर्ट बनाना ये सब इंडस्ट्रीज में आते हैं अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज जनरली थ्री टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज होते हैं सबसे पहला है प्राइमरी इंडस्ट्रीज प्राइमरी इंडस्ट्रीज में कौन कौन से एक्टिविटी आते हैं तो हर वो एक्टिविटी विच इज कंसर्न विद एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन वेरी सिंपल वर्ड्स हर वो इंडस्ट्री जो डायरेक्टली नेचर के रिलेटेड काम करती है फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर फिशिंग माइनिंग यहाँ पर हम डायरेक्टली नेचुरल एनवायरनमेंट से प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ले रहे हैं तो इसको हम कहते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री जैसे एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री है जेनेटिक इंडस्ट्री है जेनेटिक इंडस्ट्री में हम क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन करते हैं जैसे फिशेस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर चिकन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर फार्म है जहाँ पर आप डेयरी फार्मिंग कर रहे हो तब एनिमल्स का रिप्रोडक्शन कर रहे हो ये सब कुछ जेनेटिक इंडस्ट्रीज में आता है अब हम देखते हैं सेकेंड टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज जो हैं सेकेंडरी इंडस्ट्रीज अब प्राइमरी इंडस्ट्री में हम क्या करते हैं तो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके काम करते हैं जैसे एग्रीकल्चर हो गया एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज हो गए जेनेटिक इंडस्ट्रीज हो गए अब जब हम सेकेंडरी इंडस्ट्री में आते हैं तो सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या करता है प्राइमरी इंडस्ट्री में जो चीजें बनाई हैं उसको यूज कर कर प्रोसेस करके और एक नया गुड बनाते हैं जैसे यहाँ पर दिया हुआ है ऑलरेडी बीन एक्सट्रैक्टेड एट अ प्राइमरी स्टेज टू तो प्रोड्यूस फिनिश्ड गुड्स फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर प्राइमरी इंडस्ट्री है तो हम एग्रीकल्चर में फ्रूट्स ग्रो कर ग्रो किए तो सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या करेंगे उन फ्रूट्स को लेके हम जूस बनाएंगे या फिर फ्रूट uh, जैम बनाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड कंस्ट्रक्ट एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज दोनों सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में आते हैं फॉर एग्जाम्पल मैन्यूफैक्चरिंग जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कॉटन uh, है कॉटन हम एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर में ग्रो करते हैं कॉटन को प्रोसेस करके कपड़ा बनाना उससे शर्ट बनाना ड्रेस बनाना ये सेकेंडरी इंडस्ट्री में आ जाता है अब हम बहुत सारे मिनरल्स हैं वो एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो हो गया प्राइमरी इंडस्ट्री अब उन मिनरल्स को उन मेटल्स को यूज करके हम कंस्ट्रक्शन करते हैं जैसे ब्रिजेस बिल्डिंग्स एटसेट्रा तो ये सेकेंडरी इंडस्ट्री हो जाएगा अब हम आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनुफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग में हम क्या करते हैं रॉ मटेरियल्स लेते हैं और उसको प्रोसेस करते हैं और फिनिश्ड गुड्स तैयार हो जाता है अब पहले टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है एनालिटिकल इंडस्ट्री एनालिटिकल इंडस्ट्री में हम क्या करते हैं रॉ मटेरियल को यूज करके डिफरेंट फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में डिवाइड करते हैं फॉर एग्जाम्पल क्रूड ऑयल अब क्रूड ऑयल एक सिंगल रॉ मटेरियल है हम क्या करते हैं क्रूड ऑयल को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं एक पार्ट लुब्रिकेंट बन जाता है एक पार्ट आप कह सकते हो पेट्रोल बन गया ओके सो so बेसिकली आपके पास एक चीज है एक चीज को आप ऐसे डिवाइड कर रहे हो कि वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं ओके द नेक्स्ट इज सिंथेटिकल इंडस्ट्री सिंथेटिकल इंडस्ट्री में हम क्या करते हैं एनालिटिकल का एग्जैक्ट अपोजिट एनालिटिकल में एक चीज़ है उसको डिवाइड कर रहे हैं इनटू डिफरेंट पार्ट्स लेकिन जब मैं सिंथेटिकल इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ तो सिंथेटिकल आप एग्जैक्टली exactly क्या उसका क्या कर रहे हो अपोजिट कर रहे हो ओके okay? तो सिंथेटिकल में हम क्या करेंगे अलग अलग चीज़ हैं उसका कंबाइन करेंगे और एक सिंगल यूज या एक सिंगल में कन्वर्ट करेंगे ओके okay? रिपीट करते हैं एनालिटिकल में हम क्या कर रहे हैं एक चीज को डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं उसका अपोजिट हम सिंथेटिकल में करेंगे हम सिंथेटिकल में क्या करेंगे अलग अलग चीजों को मिलाकर एक सिंगल चीज बना रहे हैं फॉर एग्जाम्पल सीमेंट नेक्स्ट है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अब प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में हम क्या करते हैं एक चीज को डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है सो देट फाइनल प्रोडक्ट में वो कन्वर्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम सबको पता है कि पेपर ट्री से बनता है तो जब हमें uh, जब हमें पेपर बनाना है तो अगर हम ट्री को यूज कर रहे हैं तो वो ऑब्वियसली उसको डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस से जाना पड़ेगा तब वो फाइनल पेपर में कन्वर्ट होगा वहीं कॉटन कॉटन को भी अलग अलग प्रोसेस से जाना पड़ता है तभी वो क्लॉथ में कन्वर्ट हो पाता है दी नेक्स्ट इज असेंबलिंग इंडस्ट्री असेंबलिंग बहुत इजी है सबको पता है मोबाइल फोन्स हैं कंप्यूटर्स हैं एयर कंडीशनर है, वॉशिंग मशीन है, है, है ये सब असेंबलिंग इंडस्ट्री में आते हैं हम अलग अलग पार्ट्स को ज्वाइन करते हैं ठीक है कनेक्ट करते हैं और एक सिंगल चीज़ बनाते हैं जैसे मोबाइल बैटरी हार्डवेयर कैमरा स्क्रीन ये सब को हम ज्वाइन करके ज्वाइन करते हैं और असेंबल करते हैं और फिर फाइनल आपका मोबाइल तैयार होता है अब आते हैं लास्ट अब आते हैं लास्ट टाइप ऑफ इंडस्ट्री जो है टेर्शियरी इंडस्ट्री अभी तक हम दो इंडस्ट्री पढ़े प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री ओके अब लास्ट पार्ट है टेरशरी इंडस्ट्री टर्शीरी इंडस्ट्री का और एक नाम है सपोर्टिव इंडस्ट्री या तो सपोर्टिव सर्विस टर्शरी इंडस्ट्री ना कुछ ग्रो करती है ना एक्सट्रैक्ट करती है ना प्रोसेस करती है ना कुछ बनाती है टर्शरी इंडस्ट्री का एक ही काम होता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को सपोर्ट करना सो so दैट वो अपना काम ठीक से कर सकें हम एग्जाम्पल लेते हैं बिजनेस अब बिजनेस आता है सेकेंडरी इंडस्ट्री में अब इंडस्ट्रीज भी ले सकते हो प्रोडक्शन यूनिट भी ले सकते हो फैक्ट्री भी ले सकते हो अब जब हम काम करते हैं तो ऑब्वियसली इसमें मोनिटरी ट्रांजेक्शन्स होते हैं पैसे का लेन देन होता है अब ये लेन देन पैसे का ट्रांजेक्शन्स या पैसे रखना है ना ट्रांजेक्शन्स करना कौन करता है हमारे बदले ऑबियसली बैंक तो बैंक हो गया पार्ट ऑफ टर्शियरी इंडस्ट्री आप बिजनेस कर रहे हो तो इतना ज्यादा रिस्क होता है फॉर एग्जाम्पल बारिश हुआ साइक्लोन आया तो चीज़ें खराब हो जाती हैं बहुत बार बहुत बार चोरी हो जाता है आग लग जाना तो हम क्या करते हैं इंश्योरेंस करते हैं है ना? हम इंश्योरेंस करके रखते हैं तो अगेन एक पार्ट हो गया टर्शरी इंडस्ट्री का अब आते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री पे एग्रीकल्चर अब आ, फार्मर्स, में, फार्मर्स ने फार्मर्स ने क्रॉप को क्रॉप तो ग्रो कर दिए ठीक है अब आपको मार्केट तक उस क्रॉप को कट भी कर दिया गया अब आपको मार्केट तक उस क्रॉप को ओ, उस प्रोडक्ट को लेकर के जाना है तो आप मार्केट तक उस प्रोडक्ट को कैसे पहुंचाते हो यस टेम्पोज में डालकर या फिर हम ट्रक में डालकर अगेन ट्रांसपोर्टेशन आ गया ट्रांसपोर्टेशन आ गया हमारा कहा इंडस्ट्री में तो अब वहां पर पहुंचेगा ठीक है तो एक जब सारा सामान हमारा मार्केट में पहुंच जाएगा मार्केट पहुंचेगा तो एक साथ तो बिकेगा नहीं है ना एक साथ तो बिक नहीं सकता वो तो स्लोली स्लोली डिमांड आएंगी तो आप उनको बेचोगे तब तक क्या करोगे तब तक क्या करना होगा उसको स्टोर करना होगा इसके लिए हाउस आ गया ठीक है तो इसके लिए वेयर हाउस आ गया टेरी इंडस्ट्रीज में तो बेसिकली टेरशरी इंडस्ट्री का काम होता है प्राइमरी और सेकेंडरी आ, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को अपना काम ठीक से कर सकें इसके लिए वो सपोर्ट करता है ठीक है इसके लिए वो सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करता है